तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। बहुत फेमस डायलॉग है दोस्तों। ये जो वीडियो आज का रहेगा, इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी दोस्तों, ना ही मैं कोई हैकर हैं उनके जैसा गाड़ी को तोड़ूंगा, ब्लास्ट कराऊंगा, ये सब चीज़ नहीं। ये सब हम लोग को देखने में अच्छा लगता है, वाकई में बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ को आप लोग कोई भी चीज़ देखता है कि जो आदमी कर नहीं सकता और कोई करता है, तो देखने में मज़ा आता ही है। अब बताइए आप लोग, आप ही लोग बताइए कि स्विमिंग पूल में अगर गर्म लावा डाल देंगे तो क्या होगा? ऑब्वियस है, खौलेगा। अब गाड़ी है, गाड़ी को 20 20 फीट गड्ढे में डाल करके करेंगे तो ऑब्वियस है कि उसमें जंग लगेगा, खराब होगा। उसको उड़ाएंगे तो क्या होगा भैया? ये सब हम लोग आदि काल से फिल्मों में देखते आ रहे हैं। लेकिन छोड़िए, वो सब टॉपिक तो अपना है ही नहीं। अपना टॉपिक है कि अपने देश को, अपने लोगों को आत्मनिर्भर करना, उनको बढ़ाना। क्योंकि मैं भी एक छोटा मोटा दोस्तों बिजनेसमैन हूँ और मैंने देखी है कि क्या डिफिकल्टी होती है बिजनेस करने में, रोजगार करने में। किन्हीं के पास पैसा है तो वो उनको रोजगार सही से दिमाग नहीं खुल रहा है कि क्या करें। जिनके पास नहीं, उनके पास बेचारों को कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन 20 से 25 हज़ार रुपये आप आराम से कमा सकते हैं। मैं दो तीन, ज़्यादा नहीं, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, दो तीन ऐसे ऐसे मतलब जॉब आप कर सकते हैं जिसमें समय की कोई पाबंदी नहीं है और आपकी आज़ादी कोई छीन नहीं सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अगर आपके पास बाइक है, राइडिंग करते हैं, थोड़ा चलाते हैं, तो दोस्तों कॉमन सी बात है, जोमेटो और स्विगी। एक्चुअली मेरे फ्रेंड सर्किल में भी हैं, वो लोग जोमेटो से काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे अपने वीडियो देखे ही होंगे कि क्या, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ, उनका मैंने प्रोफाइल देखा था, चेक किया था। तो सबसे पहली बात है प्रोफाइल में कि आपको समय की कोई पाबंदी नहीं है। आपका अगर मन करता है कि नहीं भैया मैं सुबह में नहीं जाऊं, शाम में जाता हूं, रात में जाता हूं, क्योंकि ये सबसे मेन फैक्टर है। अगर आप शाम में, रात में अगर कोई डिलीवरी ऑर्डर करते हैं तो उसकी जो प्राइसिंग, जो आपको चार्जेस मिलेंगे ना, जो भी आपको कमीशन मिलेगा, वो काफ़ी अच्छे लेवल पर रहता है, क्योंकि वो रात का ड्यूटी रहता है। और या तो जो पीक टाइम होता है, पीक टाइम में होता क्या है कि एक साथ बहुत सारे मल्टीपल ऑर्डर गिरते हैं, जिसके कारण जो ज़्यादा फास्ट रहेगा वो पहुँचाएगा, जितनी ज़्यादा डिलीवरी आप कर दो। क्योंकि लॉक ये सब का उतना चलन था नहीं, लॉकडाउन जब लगा तो जब घर पे लोग के लंच आने लगे, खाने मतलब पीने में थोड़ा सा, ऑफिसेज में जो ट्रेडिशनल खाना हम लोग खाते हैं उससे मन किया, तो भैया डिलीवरी का जो चलन है ये लॉकडाउन से बहुत अच्छा चलने लगा, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे इवन रेस्टोरेंट्स भी हैं, वो लोग जो है घर से ही अपने मतलब अपना क्लाउड किचन नहीं चालू करके अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, किसी भी शॉप की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चलिए भैया, आपके पास कुछ नहीं है, सपोज दैट अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो नॉर्मल से एक बाइक भी ईएमआई पे ले सकता है, 20 25 हज़ार डाउन पेमेंट करके। हाँ, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस रहना चाहिए, और इनरोल होने के बाद आपको, आपका मन है मिनिमम 20 डिलीवरी, 30 डिलीवरी, 40 डिलीवरी, तो एक एवरेज मैं पकड़ता हूँ कि 30 डिलीवरी, 20 डिलीवरी, 20 डिलीवरी ज़्यादा है नहीं भाई। अब डिपेंड करता है, मिनिमम 20 25 रुपये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे अच्छी बात जोमेटो में ये है या स्विगी में ये है कि इनका दैनिक तो होता है, मतलब डेली बेस पे तो होता ही है, और एक ये वीकली भी होता है, मतलब वीक में अगर जितने ज़्यादा पार्सल करते हैं, आप टॉप में रहिएगा तो आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। सपोज दैट कि दोस्तों आपने 30 डिलीवरी किए और उसको एक एवरेज मैं बनाता हूँ 10 दिन में, जो कि नॉर्मल है 25 रुपये 30 रुपये। लेकिन अगर 10 रात में करते हो तो उसका एवरेज पैकिंग जो डिलीवरी चार्ज है वो ज़्यादा होता है, तो ओवरऑल आप एक दिन में 900 950 800 रुपये तक, मतलब एक एवरेज ले रहा हूँ जो मैंने अपने फ्रेंड के उसमें देखा है, 850 900 कमा सकते हो। उसमें अगर आप अपना एक्सपेंस 50 रुपये जोड़ लो भैया, खाने पीने का जो भी है, साथ ही साथ 100 से 150 रुपये आपका पेट्रोल, क्योंकि एक लिमिटेड सर्किल में रहता है, उतने में आपको ऑर्डर मिलेगा तो जाना है, तो लगभग मान लो कि 100 नहीं 200 रुपया मान लो, मतलब 250 रुपया का खर्च है। ये जो खर्च है कुछ ज़्यादा नहीं है, 250 रुपया खर्च है। अब आप जोड़ लो 900 रुपये में से 250 रुपया आप माइनस करते तो 750 रुपया प्लस, ओवरऑल मान के चलो कि एक मंथ में 2000 तक इंसेंटिव अगर आपके ऊपर है तो उठा सकते हो, उससे ज़्यादा भी उठा सकते हो। तो 700 रुपये का एवरेज अगर हम लेते हैं, जो वीकेंड आता है, वीकेंड में अलग चार्जेस होता है कंपनी का, मतलब कुरियर जिस दिन, सब वही हाल है, समझ रहे हैं ना, हाँ, कि वीकेंड में थोड़ा सा ज़्यादा प्राइसिंग रहता है तो उसमें आप अलग से कमा सकते हो। तो ओवरऑल अगर हम एक एवरेज लेते हैं 700 रुपये का, 700 तो नहीं, उससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन सब काट छाट के लेते हैं 700 रुपये। 700 अगर हमने 30 दिन किया तो दोस्तों 700 गुना 30 कितना हो गया, 21 हज़ार रुपये प्लस
इंसेंटिव आपको अलग से आना 2000 मान लो 22-23 हज़ार रुपये। उसके बाद अगर आपकी सर्विस बहुत अच्छी रही तो बहुत ऐसे ऐसे अच्छे कस्टमर होते हैं जो कि 10-20 रुपये आपको टिप में देते हैं। तो खैर टिप को आप खर्चा जोड़ लो चाहे फिर भी 1000 रुपये मानो, सबसे ख़राब 1000 रुपये मानो, तब भी दोस्तों आप 24,000 रुपीज़ आराम से अर्न कर सकते हैं एक बाइक से, एक नॉर्मल सी बाइक से। आप में राइडिंग टेक्निक होनी चाहिए, आप में थोड़ा वोकलिस्ट होना चाहिए, बोलने का देखिए बोल ये जो माउथ है ना, बोलने का तरीका होना चाहिए कहीं भी हो। तो लगभग 22-23-24 हज़ार का एवरेज है। अब बताते हैं इसमें बेनिफिट क्या है। बेनिफिट दोस्तों ये है कि सपोज दैट कि किसी दिन आपका तबीयत खराब हुआ तो उस दिन आप भले अर्न नहीं कर पाएंगे, बट आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा, आप आराम से मतलब अपना थोड़ा सा छुट्टी ले सकते हैं, इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं, सीधे ऑफलाइन हो जाइए। उसके बाद सपोज दैट कि कभी 4-5 दिन का, देखिए काम ऐसा चीज़ होता है ना कि अगर करना तो है ही, 4-5 दिन का आपको कुछ ज़रूरी पड़ गया, आपको अपने गांव जाना पड़ा या आपको फैमिली के साथ एक वैकेशन पे जाना पड़ा, 4 दिन 5 दिन 6 दिन जो भी है, आप उतना दिन लीव ले सकते हैं। क्या आप प्राइवेट नौकरी में 5 दिन 6 दिन का लीव मंथली मंथ में ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। अगर लीजिएगा तो हो सकता है 1 महीना झेले 2 महीना झेले, लेकिन 3रा महीना किसी और को आपके बदले ला देगा। एक तो बेनिफिट ये है, प्लस है दोस्तों कि इसमें होता क्या है कि हमें नॉलेज होता है, 20-25 हज़ार रुपये आप अपनी स्टडी भी कर सकते हैं। अब देखिए सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ है, सपोज इट कि आप किसी शॉप में काम कीजिएगा, मैकडी में वगैरह में करिएगा, आजकल ट्रेंड बहुत चला हुआ है ना करने का, इंटर बहुत लोग करते हैं, तो एक लिमिटेड टाइम में आना है, लिमिटेड टाइम में आपको जाना है, समय की पाबंदी है। लेकिन सपोज इट अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा हो सकता है 11 बजे से क्लास हो, तो मैं अपने क्लास को फिनिश करके 1 बजे 1.5 बजे 2 बजे तक रिलैक्स हो करके 3 बजे से भी ऑनलाइन हो जाऊंगा, तो मे बी मैं हो सकता है कि 700 रुपये ना कमाऊँ, लेकिन 400-300 तो जरूर कमा लूँगा। अगर एक स्टूडेंट 300 रुपये भी कमा लेता है, 12,000-10,000 कमा लेता है, तो सोचो कि उसके घर में से जो पैसा आता है वो लोड तो उस पर नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ है कि जो जोमेटो स्विगी हम दिए। और एक और चीज़ है, आपने दिव्यांगों को तो देखा होगा, अभी तो मतलब सैल्यूट करने का मन करता है इन ऑनलाइन कंपनियों को, ऑनलाइन फूडिंग कंपनियों को, जिन्होंने दिव्यांगों को इतना अच्छा मतलब जो घर पे जिनको लगता था कि हम बोझ हैं, आज उनको आत्मनिर्भरता इतनी अच्छी दी है, मतलब बिल्कुल सैल्यूट करने का मन करता है इन कंपनियों को कि वो लोग मतलब कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, घर में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब आप सोचो कि कोई दिव्यांग है अगर 10,000 का भी कंट्रीब्यूशन करता है, उसके लिए बहुत की बड़ी बात है दोस्तों। तो कम से कम जोमेटो से ये ऑनलाइन ये जो फूडिंग सर्वर कंपनियां, ये इन लोगों ने बहुत सराहनीय काम किया है कि जिनको लोग नकारा कहिए मजबूरी मतलब दया दृष्टि से देखते थे, लेकिन उन लोगों का भी स्टैंड है जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि आपको डिलीवरी, मैं तो कहूँगा कि भैया उन लोगों को थोड़ा सा टिप और भी दिया करो, क्योंकि अनेबल होते हुए भी वो एक मतलब मजबूत इरादे के साथ निकलते हैं।